एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई, पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरोही ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह नहीं हूँ तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी।